आप सबका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आज की इस लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम आ गए हैं राजस्थान CHO 2020 के अंदर TSP की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार हमारे कट ऑफ पर रिएक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद आपको मैं अब TSP एरिया के क्या कट ऑफ रहने वाली है वो पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहिएगा। TSP एरिया के अंदर टोटल 1041 पोस्टें हैं, जब 6310 जब वैकेंसी आई थी उसके अंदर से 1041 पोस्टें TSP एरिया के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने 1500 पोस्ट और उसमें ऐड की थी 6310 में से। लेकिन उन्होंने ये डिटेल से नहीं बताया था कि उसमें से TSP एरिया के अंदर कितनी सीट ऐड होगी। डेफिनेटली इसके अंदर कुछ सीटें ऐड की जाएगी 1500 में से, लेकिन फिर भी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए हम आपको कोई गलत जानकारी नहीं देंगे। फिलहाल हम 1041 सीटें ही मान करके चल रहे हैं TSP एरिया की। अब अगर 1041 सीटें TSP एरिया की रह गई तो उसमें अब कट ऑफ क्या जाएगी उसको लेकर के मैंने कई सारे दोस्तों से, कई सारे लड़कों से, कई सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे बात की है, उनके कट ऑफ को हमने स्टडी किया है, उसके बाद एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ TSP एरिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। 1041 पोस्टें टोटल दोस्तों हैं, इसमें से 45% रिजर्वेशन की पोस्टें चली जाएगी, तो टोटल दो पोस्टें जो बचेगी दोस्तों वो बचेगी 572। जी हाँ दोस्तों, 572 सीटों पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं और इसके अंदर आपका OBC प्लस जनरल भी इसके अंदर आ जाएगा और इसके साथ ही ST और SC के जो हायर परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं वो भी इन 572 सीटों के अंदर आएंगे। साथ ही EWS का भी सुनने में आ रहा है कि TSP रे के अंदर अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में मिलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर EWS को भी TSP एरिया और EWS दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऐसा सुनने में आ रहा है। एरिया की कट ऑफ जो अनरिजर्व कट ऑफ है उसका अनुमान जो लगा रहे हैं दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ, 68 से लेकर के 74 के बीच में TSP जनरल की कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, TSP जनरल की कट ऑफ 68 से लेकर के 74 के बीच में रहेगी, बाद 68 से लेकर के 74 अनरिजर्व कैटेगरी की TSP की मेरिट रह सकती है। दूसरी बात करेंगे हम लोग, इसके अंदर आपके दोस्तों OBC और जनरल दोनों आ गए हैं TSP के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों TSP ST की मेरिट जो है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ 62 से लेकर के 68 के बीच में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, TSP ST की मेरिट जो है 62 से लेकर के 68 के बीच में रहेगी और SC का भी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, 60 से लेकर के 67, 66 या 68 तक ये मेरिट रह सकती है। यानी कि आप ये मान लीजिए मोटा मोटा ST और SC दोनों की मेरिट आपके 60 से लेकर के 68 के बीच में रहने वाली है TSP एरिया की। मैं आपको बता रहा हूँ TSP एरिया में 60 से 68 के बीच में परसेंटेज जो बन रहे हैं उनका स्टूडेंट्स का ST और SC का सिलेक्शन होने के चांस है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि 60% आपके बन रहे हैं तो आप पक्का सिलेक्शन मान के बैठे हैं, 60 से 68 की रेंज होती है, 68 से अगर स्टार्ट होते होते हो सकता है 65 तक आते आते ही जो रिजर्व सीटें हैं वो भर जाएँ और कैंडिडेट उनको मिल जाएँ, क्योंकि आप सबको मालूम है जो क्लोज कॉन्टेस्ट है वो 65 से लेकर के 75 के बीच का है। जी हाँ दोस्तों, 65 से 75 के बीच का मतलब ये कि जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं और उनमें से जिनका पेपर अच्छा हुआ है, जो कॉम्पिटेटर हैं, 83,200 लड़कों ने एग्जाम दिया उसमें से जो कॉम्पिटेटर हैं, उन कॉम्पिटेटर में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनमें से मैक्सिमम 70% स्टूडेंट जो हैं वो 65 से लेकर के 70 के बीच में लटके हुए हैं, उनके परसेंटेज लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट के इसी एरिया में बन रहे हैं। ऐसे में अगर इस मेरिट कोई मेरिट 60 से 68 के बीच हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि 68 से स्टार्ट होते होते 65, 64 या 62 तक भी आ सकती है, लेकिन मोटा मोटी कट ऑफ जो है ST और SC की वो आपके 60 से लेकर के 68 के बीच में ST TSP एरिया की रहने वाली है। था दोस्तों मोटा मोटा जो हमने आपको सर्वे बता दिया, लाएंगे आपके लिए और कई सारे जानकारी वाले वीडियो। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और देखते रहें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।